अस्सलाम वालेकुम नई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलो जल्दी जल्दी से कपड़े इस्त्री करते हैं। आज मैंने पिंक वाली कुर्ती निकाली है, ये कॉटन की है और कॉटन के कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं इस वेदर में। और ये आयरन बहुत मज़े की है यार, जल्दी जल्दी सब कुछ आयरन हो जाता है। और ये वाली कुर्ती भी मैंने ऑनलाइन ही खरीदी थी, अच्छा मटेरियल है। तो गाइस अभी जो है ना आर्यन सो रहा है, मैंने नमाज़ पढ़ ली है और मैं थोड़ी देर बाद रेडी होंगी, क्योंकि जल्दी जल्दी से आर्यन सो रहा है ना, तो मैं हरी मोहन खाना खा ले फिर उसका काम होता है, तो इसलिए अभी टाइम मिला है। जल्दी जल्दी से जितना कुछ कर सकते हैं जल्दी जल्दी वाला करनी चाहिए चीज़ें। आर्यन इतने क्यूट तरीके से सो रहा है तो इधर ही सोए। गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर। आर्यन जब छोटा था तब इसको पार्क में वॉक कराने के लिए लेके गई थी, लेकिन अभी तो काफ़ी माशाल्लाह से बड़ा हो गया है ना, तो अभी पता ही नहीं व्हाट इज पार्क। चलो बबी, पार्क में बहुत बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ खेलोगे है ना। उस दिन पापा ने इतने गंदे तरीके से कॉम किया कि बाल फंसा दिए इसमें हमारे बेबी के। अभी बेबी के बाल हो गए बड़े बड़े तो इसमें फंस जाते हैं। डायपर, ओ माय गॉड, अरे तुम्हें डायपर नहीं बना, तुम्हें की करो इटा। चलो बाबू रेडी, दिखाओ अपना टुडे इज आउटफिट चेक, फिट चेक देखो। रात के टाइम आया है आर्यन वॉक में, सो मॉर्निंग वॉक करने। हाँ इमान, रात के टाइम आया है मॉर्निंग वॉक करने। तो गाइज अभी आर्यन को बाहर लेके आ गए हैं, पार्क में अंधेरा अंधेरा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि थोड़ा सा बाहर निकले, सोशल हो, नए लोगों को देखे, नए लोगों से मिले, क्योंकि हमारे जो रिलेटिव्स हैं ना वो दूर रहते हैं और आसपास नहीं है, कोई बच्चा भी नहीं है इतना छोटा जो आर्यन से मिलाएं करें, तो इसलिए फिर हम लोग पार्क ही आ गए। इधर ही कुछ ना कुछ लोग मिल जाते हैं, बच्चे मिल जाते हैं, प्यार करने आ जाते हैं आसपास के लोग। और उसके बाद ना बस आर्यन को बेल्ट नहीं लगाया आज, अभी बड़ा हो गया है ना तो ऐसे ही बैठा है, और अभी बार बार ना मुड़ के देखता है, उतरना चाहता है, तो इसलिए इमोन जो है हाथ पकड़ के ही चल रहा है अभी। अरे हाथ दे मामा के, मुझे भी हाथ दो, हाथ दो, बैठो बैठो, दाएगा नहीं, हाथ नहीं देगा मामा को, पापा को हाथ दिया है सिर्फ, मम्मा को नहीं दे रहा। आते आते ना रात हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी ठंडा ठंडा वेदर है, अच्छा ही वेदर है, तो थोड़ा सा आर्यन को फ्रेश हवा भी दिखा दें और इंजॉय भी कर ले आर्यन। बहुत टाइम से घर से नहीं निकल रहा ना, मच्छर 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 के डर में, तो अभी डेंगू कम हुआ है। ये देखो ना एक बच्चा दिखा तो उसको मुड़ मुड़ के आर्यन देख रहा है, बच्चा भी आर्यन को देख रहा है। पार्क में दूसरे बच्चे है ना, तो आर्यन बैठ बैठ के सबको देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, सब बच्चे भी उसको देख रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े बच्चे हैं आर्यन, छोटे छोटे है ना। आदिना, आदिना कौन है आदिना? और ये देखो देखो अभी गोद में आना चाहता है, पापा के साथ गोद में नहीं जा रहे थे ना, मेरे साथ गोद में आओगे। बच्चे को देख के आर्यन ने क्या किया, गाड़ी से बोला, बच्चा डर के साइड में हो गया, जा रही है जोर जोर से गाड़ी आर्यन की। अभी मैं पीछे हूँ ना गाइस, तो अभी पीछे हूँ तो आर्यन इतना डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन जब भी आर्यन के सामने जाती हूँ ना तो मेरे गोद में आना चाहता है। माशाल्लाह से आर्यन ने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, आज बड़ा एंजॉय किया, अभी सोच रहे बार बार उसको लेके आए इधर, क्योंकि वो एंजॉय ही कर रहा था इस वॉक को। सादिया को पूछता हूँ कि सादिया चाय पिएगा कि नहीं, सादिया सादिया तो ऐसी भी है चाय का मावा वाली, पूछ के देखो क्या बोलते हैं, चाय पियोगे आर्यन के साथ? कैसे पियूं, यही तो मजा होगा ना आर्यन भी हमारे साथ चाय पिएगा पहली बार। चाय है ना? हाँ होगा, ढूंढ के निकालेंगे, नहीं भी मिले तो फिर देखते हैं। चलो अरे देखा देखा, मैंने बोला था ना चाय का मावा वाली, चाय के लिए कोई मना नहीं। ये चाय का मावाली और ये चाय का मावाला, मैं पीऊंगी तो फिर इसको भी चाहिए। अभी इसे दो चाय नहीं आएगा, अभी तीन चाय आएगा, अभी तीन चाय आएगा। और अगर हमें कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस पार्क में आ जाओ ज्वाइन करने। इस पार्क में वॉक करने का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, आप इस साइड नहीं वॉक कर सकते, आपको हमेशा इस साइड में वॉक करना पड़ेगा। हाँ वन वे है, जब भी आप उल्टा करोगे तो आपको सिक्योरिटी बोलेगा तुम घूम जाओ और उल्टा तरफ। हमने कब से उल्टा वॉक कर रहे थे, तो अभी जाके सीधा वॉक किया, और इस टाइम भी लोग इतने वॉक कर रहे हैं यार, इस टाइम इतना लेट खेलते हैं बुड्ढा बुड्ढी, इसलिए आर्यन को भी आज मैं वॉक ही करा रही हूँ, देखो वॉक कर रहा है, ये वॉक कर रहा है। यार मेरा बड़ा दिल करता है कि मेरा इमोन और आर्यन के फोटोज हो एक साथ वीडियोज हो, लेकिन दूर से कौन करे, अभी ट्राईपोड रखे हैं, ऐसा हो कि मोबाइल को उठा के लेके भाग जाए तो क्या करेंगे, ऐसे तो कोई करेगा नहीं, लेकिन फिर भी ट्राईपोड लेके नहीं निकलते, भूल जाते बार बार, तो इसलिए इमोन ने ना साइड में मोबाइल रखा, फिर हम लोग मजे मजे से वॉक करके आ रहे हैं। क्यूट है ना ये फ्रेम, तो इतने मुश्किलों का सामना करते करते बेबी को इस फुटपाथ से लेके आए डर डर के। अच्छा पहली बार हम रोड पे आ गए फुटपाथ पे, रोड पे से वॉक नहीं किया कभी, तो अभी जा रहे हैं चाय का दुकान सामने, ये आ गए चाय के दुकान के सामने। इधर हम आ गए चाय पीने के लिए, ऑर्डर दे दिया चाय का, इधर शाम के हर शाम इधर बहुत लोग चाय पीने आते हैं, ये चाय का अड्डा है। सरिया चाय। तो गाइस ये आ गई हमारी चाय, और आर्यन हमेशा चाय के साथ हमारे साथ कुछ न कुछ खाता रहता है, तो मुंह खोल रहा है बार बार के, उसको भी खाना है। आर्यन फर्स्ट टाइम आया है स्ट्रीट फूड देखने, बांग्लादेश का क्या क्या होता है।
काफी वॉक हो गई। आर्यन ने चाय समोसे खाए, अच्छा लगा। यस मम्मा, डेली डेली खाना रहा, मजा आ गया, मजा। तो अभी जो है ना जा रहे हैं, ये रखो गाड़ी के पीछे, रखो इसको। सजी हमें लगता है हमारे यहाँ को डेली लेके जाए, फिर होता है कि वो टायर्ड हो जाता है थोड़ा, फिर जल्दी सो जाता है, हमें हमारे लिए फायदा होता है। हाँ डेली डेली बाहर जगह लेके जाएंगे, पार्क में हम लड़की दिखाएंगे छोटे छोटे। तो गाइस अभी हम घर आ चुके हैं, मैंने ये बना लिया है अंडा और चाय। आज चाय की पत्ती ज्यादा नहीं थी तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कॉफी डाल दी। ये क्या चीटी कहाँ से आई? तो कॉफी। हाँ तो बाहर जाने से पहले मैं कफ सिरप पी के गई थी, और वो वाली कफ सिरप है ना, उसमें बहुत नींद का नशा होता है। तो अब एक दो घंटा थे बाहर, तो अभी जब घर आए हैं ना तो मेरी हालत ख़राब हो रही है। चाय का मग ले कह रही थी, डर लग रहा था चाय गिर ना जाए, तो पता नहीं कैसे कैसे लेके आया। मैं सोऊँ कैसे? आर्यन तो रोएगा, मैं सोने नहीं देगा, इसलिए मना किया। बहुत नींद आ रही है। ये रहा आर्यन। आर्यन मम्मा सोए, मम्मा सोए, नहीं सोए, मम्मा को जाने ही नहीं देगा ये। इसको भी तो दूध पिलाना है ना अभी, तो इसलिए अभी सो नहीं सकते। यार मम्मा को अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मम्मा को अकेले छोड़ के कहाँ जा रहे हो? इधर आओ आर्यन, अब आर्यन इधर आओ। गाइस ना चाहते हुए भी मैं थोड़ा सा लेट रही थी, माँ और इमोन थे इस रूम में आर्यन के साथ, मैं पूरे टाइम आवाज़ सुन रही थी, लेकिन मैं थोड़ा सा बस लेट गई थी, आँख लग गई थी। इतना नशा था नींद का, मेडिसिन का, कि यार आँख लग ही गई। तो गाइस अभी ना रात के बज रहे हैं बहुत देर, टाइम नहीं बोलूँगी नहीं तो डांट पड़ेगी सुबह। और ये कहाँ से आवाज़ आ रहा है यार? देखो यार, मेघी ना दरवाज़ा खोलना सीख गई है, कैसे मूंछ लगा लगा के दरवाज़ा खोलते रहते हैं। इधर ये देखो, ये देखो पकड़ा, आज मैंने चोर को पकड़ा। ये देखो, ये मुझे लगता था इमोन इसको बार बार बोलता है दरवाज़ा खोल के दो, बैठो अंदर बैठो, आएगी भाई, चिल्लाते चिल्लाते जाएगी। तो भाई अभी से जा रही हूँ मैं खाना लेने के लिए नीचे, और कंप्यूटर पे कुछ काम किया, कुछ डिज़ाइन का काम कर दिया है। और अभी इमोन ने कुछ ऑर्डर किया था खाना, जो कि मैं खाऊंगी, बहुत स्पाइसी है, इमन नहीं खाएगा। और उसके अलावा इमन तो घर का जो खाना है वही, और एक चीज़, चलो लेट्स गो नीचे चलो। सो रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। अरे अरे अरे, कुछ सामान लेके जाना है, रुको रुको, एक साथ जाते हैं। ये वाले सामान लेके जाना है, ये कौन लेके जाएगा? इस ये कुछ चावल है जो कि बचे हैं, ये मैं खा लूँगी, मेरा डिनर है, इतना सही बहुत है टू मुझे यार, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, गुड 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 गुड। तो ये राइस जो है ना, इसमें ग्रीन चिलीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसका फ्लेवर है काफ़ी अच्छा। और ये रहा सैलेड, तो सबसे पहले ना इसको गर्म कर लेते हैं। लेट्स गो, इसको रखो इधर, आहिस्ता आहिस्ता खोलो, उठ ना जाए कोई। इसको करते हैं 1 मिनट के लिए गर्म। मछली एंड राइस, और ये रहा मेरा पुलाव। सो लेट्स गो। तो यार डेली खाना मैं ही लेके आती हूँ, और आज मैं भी लेके आ गई, और ये उठ ही नहीं रहा, कंप्यूटर में बैठा हुआ है, क्या कर रहा है? मूवीज़ ढूंढ रहा है, चलो उठो खाना खाओ अभी। और फिर ऐसे करते करते फिर बैठ गया, आ ही नहीं रहा, खाना ठंडा हो जाएगा फिर आएगा कहीं होन। तो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग भी हमारा एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। खुदा हाफिज़, बाय बाय। You say no, 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩한 고민이 생겼니 등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 형제 지내